बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है वो हम लोग करेंगे। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यही इसकी वीआई होगी और यही इसकी वीएवी होगी। पर 5 सेकंड्स, टी 5 सेकंड है। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, ये रिटार्डेशन का टाइम है। यूनिफॉर्म डेसेलरेशन, तो हमने डेसेलरेशन फाइंड करना है। और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो गिवन डाटा से जनाब शुरू करता हूँ मैं जी। कार की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वही उसकी इब्तदाई वेलोसिटी भी है, और वो है 40 मीटर पर सेकंड। टाइम टी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का जो टाइम है वो है 5 सेकंड। इट कम्स टू रेस्ट, जब एट रेस्ट आ गई तो वी एफ जो है वो हमारे पास होगा 0 मीटर पर सेकंड। विद यूनिफॉर्म डेसेलरेशन, ए हमने फाइंड करना है, ए नेगेटिव आएगा वो डेसेलरेशन होगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई कार, इसको मैं लिख लेता हूं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, इसको मैं एस से शो कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन सेट, तो जी सॉल्यूशन सेट के लिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेसेलरेशन फाइंड करूंगा। इसमें देखें हमारे पास वी एफ है, वी आई है, और डेसेलरेशन का जो टाइम है टी वो भी हमें दिया हुआ है, वो मैं लिख लेता हूं, भूल गया। टी वन डेसेलरेशन का जो टाइम है वो है 10 सेकंड। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लगाएंगे वी एफ फर्स्ट इक्वेशन, वी आई प्लस ए टी। वी एफ है 0, वी आई है जनाब 40, प्लस ए कितना है जी वो हम फाइंड करने वाले हैं, और टाइम लगा 10 सेकंड। तो 40 को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, और ये आएगा 10 ए। 10 को इधर ले आइए, माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। 10 फोर आर 40, ए आ जाएगा माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लें जी, ये हमारा ए का आंसर आ गया। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये डेसेलरेशन है। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, तो इसमें देखिए गौर कीजिए, दो डिस्टेंस हैं। जब कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी 5 सेकंड के लिए, तो उसने एक डिस्टेंस कवर किया, और जब वो रुक रही थी माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के डेसेलरेशन से, तब भी डिस्टेंस कवर किया। तो इसके दो पार्ट हैं डिस्टेंस के। मैं पहला पार्ट करता हूं, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसे हम कह लेते हैं S1। तो हम S1 कैलकुलेट करने वाले हैं, तो वो सिंपल है जी। S1, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपस में इक्वल होती हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में हमारे पास है 40, और 5 सेकेंड के लिए वो चली, तो S1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 200, और यूनिट क्या आएगा, मीटर। अब हम लोग फाइंड करेंगे दूसरा इसका पार्ट, वो है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग डेसेलरेशन। डेसेलरेशन के दौरान तय करदा फासला, उसको हम कह लेते हैं S2। तो इसमें देखिए S2 में हमारे पास VI है, VF है,
और ए भी है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। जी a है हमारे पास माइनस फोर, यहाँ पे मैं s2 लिखूंगा, s2, vf है हमारे पास जीरो और vi है हमारे पास 40, इसका स्केयर ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एट एस टू माइनस 1600, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो एस टू हमारे पास आएगा 1600 डिवाइडेड बाय एट, इसे कैंसिल कर लीजिए, 200 आएगा, 200। तो जो एस है हमारे पास वो आएगा एस वन प्लस एस टू, एस वन है 200, तो एस आ जाएगा 400 और यूनिट आ जाएगा मीटर। लें जी, ये हमारा था दूसरा आंसर। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।